हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम नीम का बोनसाई कैसे बनाएं ये सारे जानकारी देंगे। ये जो बोनसाई देख रहे हैं दोस्तों, नीम का है और हमने इसको लगभग 2 साल से तैयार कर रहे हैं दोस्तों। ये पूरी तरह से अभी बना नहीं है, लेकिन एक ट्री का रूप हमने देने की कोशिश हम की है दोस्तों, और ये सुंदर से पॉट में हमने इसको लगाया है। तो दोस्तों, आज हम नीम का बोनसाई बनाने के लिए आप लोग को सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसा हम बोनसाई का फर्स्ट स्टेज क्या होता है। दोस्तों, इस पौधे को ये छोटा सा तो दोस्तों इस प्लांट को हमारा भाई है कान्हा भाई, तो वो एक बाउंड्री वॉल में लगा हुआ था ये पौधा, और बाउंड्री वॉल को ये खराब कर जाता, तो इसको लाया है और बोलता है कि बोनसाई बना दो भैया। तो मैं आप लोग के लिए भी शेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि हम इसका बोनसाई कैसे बनाएंगे। वो वाला जो पौधा हम जो बोनसाई हम दिखाए दोस्तों, उसको भी इसी मेथड से हमने तैयार किया था, तो आइए बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसका ब्रांच टूट गया है उसको काट ही दें, और यहाँ से भी काट दें दोस्तों। ज़्यादा अभी पत्ते आप रखें मत, क्योंकि इसको एनर्जी का बहुत ज़रूरत होगा। एक दो पत्ते बस रहेंगे, बाकी को सबको हम काट देंगे दोस्तों। इसमें से नया बड्स आएगा दोस्तों। बाद दोस्तों, नीचे वाले भाग को हम हल्का हल्का छील रहे हैं, जिससे होता ही है दोस्तों कि इसमें रूट जल्दी से डेवलप होगा। जब भी आप प्लांट लाएंगे दोस्तों, कहीं से आपको मिलता है बिना जड़ वाला, तो ऐसा ट्रिक अपनाइएगा। और आप नर्सरी से अगर लाते हैं तो जड़ वाले के साथ, तो पहले फर्स्ट स्टेज यही होगा दोस्तों कि उसको आप बड़ा सा बकेट में 1 साल तक रूट डेवलप होने दें, उसके बाद ही आप बोनसाई बनेगा दोस्तों। पहले रूट डेवलप करना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम स्टेम और उसको पत्ती को देखेंगे दोस्तों, उसका ब्रांच कैसा रूप लेता है दोस्तों। कटा वाला ये जो हम छिले हैं, वो उस वाले भाग में आप फंगीसाइड डाल सकते हैं। हम फंगीसाइड नहीं डाल रहे हैं दोस्तों, हमारे पास रूट हार्मोन है दोस्तों। तो आपके पास रूट हार्मोन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फंगीसाइड डाल सकते हैं। फंगीसाइड नहीं होगा दोस्तों तो आप इसमें एलोवेरा का जेल डाल सकते हैं, या शहद या हल्दी ये डाल सकते हैं दोस्तों, जिससे ये जल्दी से डेवलप होगा इसका रूट। तो हम इसका रूट हार्मोन है हमारे पास, तो ये हम रूट हार्मोन डाल रहे हैं दोस्तों, और इसको हम एक पॉट में इसको लगाएंगे। दोस्तों, जब भी आप प्लांट लगाएं, छोटा प्लांट बोनसाई के लिए पहला स्टेज में जब प्लांट लगा रहे हैं, तो उसको ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ता दोस्तों। सबसे पहले आप गार्डन का सॉइल लेंगे, नॉर्मल मिट्टी है, और एक ये रेत मिलाना जरूर मत भूले दोस्तों। रेत होल बनाता है दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बढ़ जाता है, और मिट्टी इसमें भुरभुरा हो जाता है दोस्तों। तो रेत के साथ ये मिट्टी मिलाइए, अभी खाद मिलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब इसमें बड्स वर्ड्स आ जाएंगे, कली आ जाएंगी, और 2-3 महीना हो जाएगा दोस्तों, तब हम इसमें खाद डालेंगे। अभी हम क्योंकि ये मिट्टी में भी सारे पोषक तत्व तो होते हैं, तो हम अभी खाद नहीं मिला रहे हैं दोस्तों। नॉर्मल सा इसमें मिट्टी है और रेत है दोस्तों, बस इतना ही डाल के हम इस पौधे को हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों, हम इसमें पहले मिट्टी डाल रहे हैं, जिसमें होल था दोस्तों, होल में पर्याप्त मात्रा में आप होल होनी चाहिए, और होल में आप छोटे छोटे पत्थर डाल दें दोस्तों, ताकि मिट्टी से वो ब्लॉक मत हो। हमने डाल चुका है, और हम रेत डाल इसमें मिट्टी डाल रहे हैं दोस्तों सॉइल, और इस प्लांट को हम लगा रहे हैं दोस्तों। ये देखिएगा, थोड़ा गहराई से हम लगा दे रहे हैं। अब इसमें पर्याप्त मात्रा में हम पानी डाल देंगे दोस्तों। पौधा लगाने के बाद दोस्तों, पूरी तरीके से अच्छे से पानी डालिएगा। अब रोल दे, पानी हमने पूरी तरह से डाल लिया दोस्तों। जहां जहां हम कटिंग किए थे, वहां हम फंगीसाइड डाल रहे हैं, फंगीसाइड इसे डाल रहे हैं दोस्तों, ये फंगस इसमें मत आ जाए, खराब मत हो करके बस। उसके बाद दोस्तों, हम इसको एक पॉलीथीन से कवर कर देंगे। कवर करने से होगा ये दोस्तों कि इसको मॉइस्चर मिलेगा दोस्तों, नमी मिलेगा, और ये मरेगा नहीं, जल्दी से इसमें बड्स आएंगे दोस्तों।
तो ये वाला ट्रिक जरूर अपनाइएगा दोस्तों, एयर टाइट कर दीजिएगा इसको और 15 दिन तक इसमें रहेगा ये पॉलीथीन। आपको लगेगा कि बर्ड्स आ गए हैं तब इसको निकालेंगे, फिर ग्रोथ बहुत तेज करेगा दोस्तों। और दोस्तों हम नीचे में ये रबर लगा दिया है ताकि एयर टाइट हो। तो दोस्तों ऐसा अगर ट्रिक आप अपनाएंगे तो जल्दी आपका प्लांट ग्रोथ करे, मतलब जी जाएगा दोस्तों, ये जल्दी सर्वाइव कर जाएगा। अगर ये वाले ट्रिक को दोस्तों आप ठंड के दिनों में ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों, ये वाला ट्रिक ठंड के दिनों में ठंडी होता है दोस्तों, तो ये गर्माहट पौधे में लाता है और जल्दी से इसमें बर्ड्स जल्दी आते हैं। अब दोस्तों 15 दिन तक इस प्लांट को हम हल्का छांव हो ऐसे जगह में रखेंगे जब तक इसमें कली ना आ जाए दोस्तों, बर्ड्स ना आ जाए। उसके बाद हम बैग को हटा देंगे इसका पॉलीथीन को और फिर ग्रोथ होने देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो आप नीम का बोनसाई देख रहे हैं, सेम इसी मेथड से हमने इसको लगाया था। आज इसको लगभग 2 साल हो गया दोस्तों, 2 साल में हमने इसको ऐसा रूप दिया है, ट्री का रूप देने की पूरा कोशिश किए हैं दोस्तों। अभी पूरी तरीके से ये तैयार नहीं है, कुछ सालों बाद ये पूरी तरीके से एक नीम का पेड़ बन जाएगा, बौना पौधा। और देख रहे हैं इसका ट्रंक कितना मोटा हो चुका है, ये देखिए दोस्तों। अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि 1 साल इसको हो चुका है इस पॉट में लगाए हुए। ये प्लास्टिक का पॉट है दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारा खुद का बनाया पॉट में हम लगाएंगे, जो सीमेंट से हम बनाए हैं। तो ये हम बना रखे हैं, ये वुडन स्टाइल में हमने पॉट बनाया दोस्तों सीमेंट का। और हमारे पास एक और पॉट है दोस्तों, इसको भी हम अपने हाथों से बनाए हैं, इसको हम रॉक स्टाइल हमने बनाया है दोस्तों सीमेंट से। अब हम कंफ्यूज हैं दोस्तों कि ये वाली पॉट में लगाएं या जो वुडन स्टाइल में है वो वाली पॉट में लगाएं। तो हम अभी सोच रहे हैं दोस्तों किस में लगाना चाहेंगे हम। तो फाइनल डिसाइड हो गया है दोस्तों, हम इस वुडन स्टाइल वाले पॉट में लगाएंगे, क्योंकि जो पत्थर वाले स्टाइल वाला जो पॉट है उसमें और भी बोनसाई है जिसको हमने वाकई पत्थर से निकाल के रख लाया है उसको हम। तो दोस्तों हम इसको इस पॉट से निकाल चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें कितना रूट डेवलप हो चुका है दोस्तों। दोस्तों बोनसाई बनाने के लिए क्या क्या सॉइल की जरूरत पड़ेगा हम आपको बता रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे गार्डन का सॉइल है, नॉर्मल मिट्टी, थोड़ा सा 20% रखेंगे और नदी का रेत रखेंगे, ये रिवर है नॉर्मल, और उसी का ये बड़ा बुरादा है, बड़ा कंकड़ है रेत का, जिसको हम छान के हमने इकट्ठा किया। और उसके बाद ये ईंट के टुकड़े हैं, इसका ईंट का ब्रिक्स काम आता है, ये पानी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। थोड़ा सा हमने कोकोपीट रखा है, नारियल का बुरादा है ये छिलके का। और ये हो गया राइस हस्क, थोड़ा सा ये सब पानी एब्जॉर्ब करने काम करता है, प्लस न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा देता है। दोस्तों ये बोन मिल है, उसके बाद ये वर्मी कंपोस्ट और ये है नीम के, ये जो कीड़े मकोड़े रहेंगे छोटे मोटे उसको सबको मार देगा ये। और ये है फंगीसाइड है, ये फंगीसाइड भी डालेंगे हम। तो दोस्तों रिपोर्ट करने के बाद आप लिफ्टिंग जरूर करें पूरी तरीके से। तो दोस्तों ये जो आप मॉस देख रहे हैं उसको हमने यही उगाया है दोस्तों घर में ही, और गर्मी के दिनों भी हम इस मॉस को उगाते हैं दोस्तों। तो इसका वीडियो हमने पिछले उसमें दिखा चुका है वीडियो में,
अपलोड कर चुका है, आप देखिएगा जरूर इस कमास को हम कैसे उगाते हैं। रिपोर्ट का पूरा काम हो चुका है, अब हम नमी के लिए मॉस लगा रहे हैं दोस्तों, और सुंदर भी दिखता है और मिट्टी को जल्दी सूखने नहीं देता दोस्तों। मॉस का डेकोरेट कर चुके हैं दोस्तों, ज्यादा मॉस हम लगाए नहीं है, आप देख रहे होंगे दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कैसा दिख रहा है ये। पेड़ के पास बस लगा है दोस्तों, बरसात के दिनों में इसमें और अच्छे से मॉस हम लगाएंगे। मिट्टी को पूरा जड़ से हटा देते हैं तो बहुत समय लगता है इसको संभालने में, और इसको एनर्जी का बहुत जरूरत होता है दोस्तों। तो ये जो बड़े बड़े पत्ती हैं उसको हम हटा देंगे ताकि छोटे पत्ती में ही इसको एनर्जी मिलता रहे और ये जल्दी अपना जल्दी से ये बढ़ सके। तो अब हम इसका ट्रिम करेंगे दोस्तों, बोनसाई का ये एक पार्ट होता है ट्रिम करना, जिससे इसमें ब्रांच और आता है दोस्तों और घना होता है, खुशी होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ से हमने वायर किया है, वायरिंग किया है। ये जो स्टेम है दोस्तों सीधा था, उसको हमने शेप दिया है दोस्तों। वायरिंग का भी हम वीडियो डालते रहते हैं दोस्तों, देखिएगा जरूर कैसा बोनसाई को हम शेप दें ये भी हम बताते रहते हैं। अभी हमने वाइंड स्वेप्ट स्टाइल का बोनसाई बनाने के लिए हमने सिखाया था, तो चैनल जरूर विजिट कीजिएगा दोस्तों और देखिएगा जरूर। तो दोस्तों हम अभी पिंक कर रहे हैं, जैसे कि ये डंगाल थोड़ा सा बढ़ चुका है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे दोस्तों, इसको यहाँ से कर देंगे। जिसे और घना हो जाएगा दोस्तों, हम ऊपर ऊपर भाग कर हटा रहे हैं अभी, ज्यादा ही एकदम से ट्रिम इसको करेंगे नहीं, गर्मी का दिन है। इसका ऊपर वाला भाग को ट्रिम किए हैं, ज्यादा हमने इसका भी ट्रिम नहीं किया दोस्तों, क्योंकि अभी गर्मी का दिन चल रहा है। तो दोस्तों आप हमारा बोनसाई कैसे दिख रहा है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हमने सिर्फ 2 साल में ये रूप दिया है दोस्तों, तो आप भी आप इसी मेथड से बोनसाई जरूर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अगला वीडियो मैं डालूंगा आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।